Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अभी ये लोग जबरदस्ती बिहारी बनने के लिए लिट्टी चोखा खाते हुए नजर आते हैं। ऐसा है, खाली लिट्टी चोखा हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की राजनीतिक दलों ने कमर कस लिए हैं। बिहार में सभी पार्टियों के फायर ब्रांड नेता ताबड़तोड़ कई रैलियां कर रहे हैं। इस कड़ी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के पूर्व छात्र और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार ने बुधवार को चंपारण में चुनावी रैली में भाजपा और पीएम मोदी को जमकर निशाना बनाया। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्होंने हमें प्रवासी बनाया उन लोगों से अब हिसाब के साथ चुपता करने का मौका आ गया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी ये लोग जबरदस्ती बिहारी बनने के लिए लिट्टी चोखा खाते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि बिहार में लीची गन्ना भी उगाते हैं। सीपीआई नेता ने कहा कि इस बात को याद रखिएगा कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगर बिहार में ही अच्छी यूनिवर्सिटी होती तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है। इससे पहले कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में नीतीश मोदी की सरकार का एक ही मकसद रह गया है, चुनाव के समय अपने जुमले राज्यों के साथ जनता को ठगने का, वादों का बाजार गर्म कर गरीबों को लूटने का। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार से ही बिहार नहीं संभलने वाला है, बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.